निर्मल फाउंडेशन आम लोगों और खासतौर पर महिलाओं के लिए ऑटो के सफर को सुरक्षित और सुहाना बनाने के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सहयोग से जी ऑटो चलाएगा। इसके लिए ऑटो की अलग से व्यवस्था नहीं की जाएगी, बल्कि दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहे ऑटो वालों को ही संगठित कर उन्हें इस प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा। इसके लिए न सिर्फ ऑटो चालकों का पूरा डेटा तैयार किया जाएगा, बल्कि उन्हें पैसेंजर फ्रेंडली बनाने के लिए खास ट्रेनिंग भी दी जाएगी। खास बात यह है कि पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही उन्हें इस योजना से जोड़ा जाएगा, ताकि किसी भी यात्री के साथ बदसलूकी करने पर उनकी पहचान की जा सके। तो इस दिल्ली को जैसे ही अप्रोच किया तो हमने इस प्रपोजल को स्थायी समिति और सदन के समक्ष रखा, उन्होंने इसे प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है। इसलिए इसमें विशेष तौर पर जो महिलाएं अकेले ट्रैवल करती हैं उनको एक सुविधा होगी, घर से उनको पिक करके ऑटो जो है उनके डेस्टिनेशन तक छोड़ के आएगा और इसका सब रिकॉर्ड जो उनके कॉल सेंटर में अवेलेबल होगा कि कौन सा ऑटो ड्राइवर उनको छोड़ कर आया। किसी यात्री के फोन कॉल के साथ ही ऑटो, उसके ड्राइवर और रूट के विषय में सारी जानकारी इसके लिए बने कॉल सेंटर में अपडेट हो जाएगी। महिलाओं में इस योजना को लेकर खासा उत्साह है। अगर मैं भी ट्रैवल करना चाहूंगी रात को तो मुझे लगेगा नहीं, देखना पड़ेगा, शायद मैं ट्रैवल करूं, मैं दिन के टाइम में ट्रैवल करना चाहूंगी। बट अगर ये सिस्टम आता है तो बहुत अच्छा होगा, मैं फ्रीली बहुत अच्छी तरीके से ट्रैवल कर सकती हूँ। पूर्वी दिल्ली नगर निगम निर्मल फाउंडेशन को कॉल सेंटर बनाने के लिए नंद नगरी A4 स्थित सामुदायिक भवन में जगह मुहैया कराएगी और इसके लिए उसे किराया भी मिलेगा। ऑटो पर लगने वाले विज्ञापनों में भी नगर निगम और ऑटो चालकों को हिस्सा मिल सकेगा। इसके अलावा ऑटो चालकों के कल्याण का भी ध्यान इस योजना में रखा जाएगा। उम्मीद है कि जल्द ही ये योजना परवान चढ़ सकेगी। देर रात में या फिर विषम समय में ऑटो ढूंढने की दिक्कतें और ऑटो वालों की मनमानी से अब पूर्वी दिल्ली के लोगों को निजात मिलने जा रही है। खास बात यह है कि इस योजना का लाभ न सिर्फ आम लोगों और महिलाओं को मिलेगा, बल्कि ऑटो वालों के लिए भी ये एक फायदे का सौदा साबित होने जा रहा है। निखिल सिंह, DD News, दिल्ली।